स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश की राइम्स करेंगे। बच्चों आप राइम्स करोगे ना टीचर के साथ? आपको अच्छा लगता है ना राइम्स करना? तो आज हम इंग्लिश की राइम्स करेंगे। कौन सी राइम्स करेंगे बच्चों? राउंड एंड राउंड। ओके तो बच्चों, ये अपनी गोल्डन बुक ऑफ नर्सरी राइम्स है। इसमें आपको पता ना, इसमें आपको राइम्स भी दी है, इसमें स्टोरीज भी दी है। ओके तो इसमें से आपको अभी राइम्स करनी है। कौन सी राइम्स पढ़नी है बच्चों? राउंड एंड राउंड। ओके तो चलो देखो, देखते हैं हम राइम्स। देखो बच्चों, पेज नंबर 111 निकालना है। यहाँ पे कौन सी राइम्स है? राउंड एंड राउंड। देखो यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, ये राउंड एंड राउंड राइम्स है। इसमें से आपको राइम्स देखनी है और पढ़ना है। देखो पिक्चर में आपको दो बच्चे दिख रहे हैं ना, कैसे खेल रहेंगे? अभी ये लोग खेलते हैं राउंड एंड राउंड। आप भी खेलते हो ना घर की तरफ राउंड एंड राउंड? आपके फ्रेंड्स के साथ खेलते हो ना? तो राउंड एंड राउंड मतलब गोल गोल घूम के खेलना, आप खेलते हो ना? तो ये आपको पोएम्स पढ़नी है। ओके अच्छे से पेज नंबर 11 पे पोयम है राउंड एंड राउंड। आपको ये पोयम निकालनी है और अच्छे से पढ़ना है। ओके बच्चों, अभी टीचर आपको राइम्स करके दिखाएंगे, आपको भी एक्शंस के साथ राइम्स करना है। ओके स्टार्ट द राइम्स। राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड, बाउंसिंग अप एंड बाउंसिंग डाउन, व्हाट ओ व्हाट व्हाट मे इट बी, टेल मी ओ प्लीज टेल मी। बच्चों आई रिपीट वंस अगेन, टीचर आपको फिर से एक बार राइम्स करके दिखाएंगे, आपको वैसे ही राइम्स करना है। ओके start the rhymes. Round and round and round and round, bouncing up and bouncing down, what oh what what may it be, tell me oh please tell me. So students, अभी टीचर ने आपको rhymes करके दिखाना, तो जैसे टीचर ने action के साथ rhymes किया, वैसे ही आपको actions के साथ rhymes करना है। Properly rhymes आपको learn करना है और actions भी आपको learn करनी है। और आपको पता ना, टीचर आपको कभी भी पूछ सकते हैं, आपको लाइव क्लास में भी पूछ सकते हैं और आपको वीडियोस बनाकर भेजने के लिए भी बोल सकते हैं। तो इसलिए आपको रेडी रहना है पहले से ही, आपको अच्छे से राइम्स लर्न करना है और अच्छे से आपको एक्शंस भी करने हैं। ओके थैंक यू, बाय।